स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी गाइज, अगर आप 12th की एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है ताकि एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। लेकिन शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। और ये लाइन किस लेसन से लिया गया है आपको ये बताना है गाइज। तो ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेसन लिया गया है आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, आई कैन ओनली एज्योर यू दैट आई enter this office in a spirit of prayerful humanity and the total dedication is from। और आपको पता होगा कि जब आप ये लेसन पढ़े होंगे तो उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच में बात कही थी, तो ये लिया गया है भारत इज माई होम से। समझ में आ गया गाइस? ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू। नानू काका आ रहे हैं दिल्ली, किसके घर आ रहे हैं? विजिट हिज सिस्टर, अपनी बहन के घर वो आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, द कंडीशन ऑफ द नेग्रो वॉज, जो नेग्रो का जो कंडीशन था वो क्या था? अपीलिंग था, राइट? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गाइस अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द डैश डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। और इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। क्यों होगा? क्योंकि जब ये लेसन आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि राइटर ने ये बात बोला था कि जिन लोगों ने वाइल्ड एनिमल को पाल करके रखा था उनका लाइफ काफी डेंजर था, काफी खतरे में था, लेकिन जिन्होंने डोमेस्टिक एनिमल को पाला उनका लाइफ क्या था? प्लेजेंटर एंड सिक्योर था। समझ में आ गया गाइस? ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, As soon as he woke the next morning, he would open the tin and examine the gourd is from। ये लाइन किस लेसन से लिया गया है? तो गाइज ये द अर्थ से लिया गया है। समझ में आ गया गाइज? ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, इन मेनी ट्रेडिशनल ट्रेडिशन सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन डैश डैश is more important than the between husband and wife। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर एट है, द मेन चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर्स रिवेन्यू इज द डैश डैश। तो इसमें आपका हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। समझ में आ गया गाइस? नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जो न्यूज़पेपर का जो अर्निंग का जो सबसे मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? वो आपका एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो लोग पैसे अर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका, फॉर द नेक्स्ट फोर और फाइव इयर्स बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हैंड्स इफ फ्रॉम। और ये जो लेसन लिया गया है आपका द अर्थ से लिया गया है। समझ में आ गया गाइज? क्वेश्चन नंबर टेन है आपका, इंडियंस आर बाई नेचर। अब ये इंडियंस आर बाई नेचर कैसे होते हैं भाई? ये स्टूपिड, क्योंकि ये जब आप पहला लेसन जब आप पढ़े होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो जो अदर कंट्री जो थे उन्होंने भारत के ऊपर ब्लेम लगाया था कि भारतीय जो लोग हैं वो बाई नेचर क्या है? स्टूपिड है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 11 है, लोमो इज ए डैश डैश ऑफ स्टीफन चुबको। यानी कि स्टीफन चुबको के लोमो क्या था? तो वो उसका एक पड़ोसी था, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, लोमो वांट्स टू मैरी। लोमो जो है किससे शादी करना चाहता था? तो वो नतालिया से शादी करना चाहता था। कीप इन माइंड, ध्यान रखना है आपको, वो नतालिया से शादी करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एच ई बीट्स वर्क फॉर सम टाइम एज ए। देखिए एच बी बीट्स जो थे वो किसके लिए काम किए थे? कुछ समय के लिए, तो वो जर्नलिस्ट थे, वो कुछ समय जर्नलिस्ट का काम किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन बांग्लादेश दैट इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल। तो बांग्लादेश में रुप्तका जो है एक प्रकार के फेरी टेल, एक परियों की कहानी है। समझ में आ गया गाइस?
क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्टेज डॉट मार्टिन लूथर किंग जे आर वॉन्ट टू सी एज ए डेवलप स्टेट। तो वो अल्बामा को डेवलप स्टेट के रूप में वो देखना चाहते थे, समझ में आ गया गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ फीबल इज मेंस पावर इज फ्रॉम, यानी कि आदमी की शक्ति कितनी कमजोर हो जाती है, ये लाइन लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन्डन के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस, हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, स्नेक को किसने मरने का निर्णय लिया। तो ये अगर स्नेक, अगर आप चैप्टर आप पढ़े होंगे तो इसमें द पोएट हिमसेल्फ यानी पोएट ने खुद जो है स्नेक को मारने का निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो बहुत इजी है, इसे आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से इसे लिया गया है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 19, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, दस रॉन इज कॉल्डिंग फॉर दियर फूड, और इसमें आपका आंसर होगा आपका ट्रोल। क्वेश्चन नंबर 20, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलोस फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम, और इसी लिया गया है आपका ओड टू ऑटम से। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु रोट सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए किसने गीत लिखा हुआ है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन। तो ये लिखा हुआ है आपको वॉल्टर डेला मेयर ने, आपको दिमाग में ये बात रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉरएवर, और ये है आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। ये सोल्जर से इस लाइन को लिया गया है, आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, His brow is deeply lined with the third. His head is highly domed. That is who is the poet describing? यानी कि ये बातें कह करके इस लाइन में पोएट किसको डिस्क्राइब करना चाह रहा है, तो मैकबिल्टी को। मैकबिल्टी एक कैट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द नियरेस्ट दस वॉज 1000 माइल, देखिए जो सबसे नजदीक जो था वो 1000 किलोमीटर था, क्या तो टॉवर ऑफ साइलेंस। ये फायर हमसे इसको लिया गया है, राइटर्स का जो लड़का डेड कर गया होता है तो उसको टॉवर ऑफ साइलेंस पे लेके जाता है वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज ए केटल डू इज फ्रॉम, तो इसे लिया गया है स्नेक से, वो अपना मुंह उठाता है और ड्रिंक पीता है जैसे केटल, मतलब जैसे जानवर पीते हैं। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन है, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग एज हैज बीन कंपोज्ड बाय, तो ये जो किताब है, ये जो सॉन्ग है, ये जो पोएम है किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो कमला दास के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। इसमें ऑप्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द पोएटीज बेग्स फॉर डस फ्रॉम एवरीबॉडी, वो क्या सभी लोगों से क्या चाहती है, तो प्रेम चाहती है, लव चाहती है। ओके, हु वॉज इन ओ ऑफ द स्नेक, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पोएट। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, दस इज द मास्टर क्रीम, इसमें आपका ऑप्शन सही है सी मैकाबिटी, जो क्रिमिनल का बिल्कुल एकदम मास्टर था। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, रूपर्ट ब्रूक कैसे मरे थे भाई, किस वजह से उनका मृत्यु हुआ था, तो सेफिशिया की वजह से उनका मृत्यु हो गया था, यानी कि ब्लड में पॉइजन होने की वजह से उनका मृत्यु हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट फैमिली ऑफ ए लैंग्वेज, तो ये इसमें हो जाएगा इंडो यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्रॉम 1150 अनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ, 1150 के बाद इंग्लिश उभर करके आया, क्या उभर करके आया, तो लिटरेचर के रूप में ये उभर करके आया, उसके पहले राइटिंग नहीं होती थी लिटरेचर का। 33 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट Does this become the language of the king's court?
गवर्नेंस एंड एजुकेशन, तो इसमें आपका हो जाएगा फ्रेंच, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु रोट पियर्स द प्लॉमैन, पियर्स और प्लॉमैन किसने लिखा हुआ है, ये आपको दिमाग में बात रखना है। तो ये लिखा हुआ है विलियम लैंडलैंड ने। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, हु रोट किंग लेयर, किंग लेयर किसने लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसे आपको बताना है। देखिए किंग लेयर लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर ने, लिटरेचर की बात हो और विलियम शेक्सपियर की बात ना हो ये तो अजीब बात होगी। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश इज यूज एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन, इंग्लिश का सेकेंड लैंग्वेज का यूज कहाँ किया जाता है, तो इंडिया में किया जाता है, इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, टुडे डायजेस्ट इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, आज जो है इंग्लिश विश्व में किस इंग्लिश के रूप में जाना जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। ओके, पैराडाइज लॉस्ट इज डज डज, पैराडाइज लॉस्ट क्या है, ये आपका ओड है या सटायर है क्या है, तो ये आप याद रखना है, ये एक एपिक है, ये एक धार्मिक कविता है, पैराडाइज लॉस्ट। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, आरएन टेगोर रोट डैजेस, यानी रविंद्रनाथ टेगोर ने लिखा हुआ है गीतांजलि, रविंद्रनाथ टेगोर के द्वारा गीतांजलि लिखा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट इनका वर्क्स है, तो आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, द एक्सप्रेशन हिमालय ब्लंडर इज फ्रीक्वेंटली यूज इन इंग्लिश, देखिए हिमालय ब्लंडर ये वर्ड जो है यूज होता है ब्लंडर मिस्टेक के लिए, जो बिग मिस्टेक के लिए, और वो यूज किया जाता है आपका इंडिया में, समझ में आ गया गाइस। 41 है आपका, हु रोट एन इपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, तो इसने लिखा हुआ था वॉल्टर डेला मेयर ने इसने लिखा हुआ था। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, हु रोट अनटचबल, अनटचबल किसने लिखा हुआ था, तो मुल्क राज आनंद ने लिखा हुआ था अनटचबल, काफी इनका इंपॉर्टेंस वर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, हु रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा हुआ था, देखिए मर्चेंट ऑफ वेनिस भी शेक्सपियर ने ही लिखा हुआ था, ये भी काफी जबरदस्त ये बुक है उनका शेक्सपियर का। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, द एग्लो सेक्सन कॉल्ड दियर लैंग्वेज, देखिए एग्लो सेक्सन का लैंग्वेज कहा जाता है एंजलिस होगा इसका आंसर, ध्यान रखना है। ए से आपको कैसे याद रखेंगे, ए से अब हो गया ए और यहाँ पर सेक्शन दिया है तो आप सी कर सकते हैं, तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड और इंग्लैंड इन द पोएम द सोल्जर, सोल्जर पोएम में कभी जो है कितनी बार इंग्लैंड इंग्लैंड का यूज किया हुआ है, तो आपको याद रख लेना है 6 टाइम्स उन्होंने किया हुआ है, समझ में आ गया गाइस। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, हु वाज लाइट ऑफ स्टीप एंड हार्ट, ये वर्ड किसके लिए यूज किया किया गया है, तो ये वर्ड यूज हुआ है ए ब्यूटीफुल लेडी के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, हु वॉज एस्कोल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर, पिक्चर पेंटिंग के लिए किसको डांटा गया, तो सेवई को डांटा गया, द आर्टिस्ट लेशन का है ये। 48 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चुबको एंड लोमो स्टार्ट विद ईच अदर, चुबको और लोमो स्टार्ट कर देते हैं, क्या स्टार्ट कर देते हैं भाई, सिंगिंग स्विमिंग डांसिंग, तो अर्गुइंग स्टार्ट कर देते हैं, वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, द बास्केट विच नानू काका गेव टू द नरेटर हैड इन इट, तो उसमें जो नानू काका जो बास्केट दिए थे नरेटर को उसमें क्या था, मतलब लेखक को, तो उसमें किचन था यानी कि बिल्ली का बच्चा था, समझ में आ गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन इज टेकन फ्रॉम, इसको लिया गया है ओड टू ऑटम से, तो गाइज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, और काफी बेहतरीन तरीका से मैंने इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हुआ है, और आपको क्या करना है कि 1 से 2 बार इसको वॉच कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना हो,
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।